कुछ खास हो सकता है इस बार वीकेंड के वार पर। चलिए मैं आपको बताऊंगी अपना रिव्यू आज के एपिसोड को लेकर, तो जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 14 का ये दूसरा हफ्ता है और जिसका यह दूसरा वीकेंड का वार है, जिसमें सलमान खान आएंगे और लगाएंगे सबकी क्लास। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो ये है कि जब सलमान खान और रुबीना दिलैक भिड़ते हैं तो क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये होता है कि रुबीना और निकी तंबोली से एक टास्क करवाया जाता है। उस टास्क में यह पूछा जाता है कि निकी और रुबीना इन दोनों में से सबसे ज्यादा के दिमाग में किसके कचरा भरा हुआ है। ऐसे में निकी तंबोली इस टास्क के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन रुबीना दिलैक हो जाती है, करती है अपोज और खड़ी होकर बोलती है मैं इस टास्क का हिस्सा नहीं हूँ। अगर ऊपर वाले यानी बिग बॉस मेकर्स ही यह समझते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर कचरा है तो मैं इस गेम का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, और नेशनल टेलीविजन पर बिग बॉस कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब इसी को लेकर मामला तुल पकड़ लेता है और उसके बाद एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान खान पूछते हैं कि आखिर आपने उस टास्क को क्यों नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि रुबीना कहती है कि वह उनके टास्क के सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने उस टास्क को नहीं किया। वहीं सलमान कहते हैं क्या अब हम टास्क आपके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें। इसको लेकर रुबीना अपना हाथ खड़ा करती है और बोलती है सलमान प्लीज। वहीं सलमान खान हो जाते हैं हाइपर और बोलते हैं कि अगर आपको ज्यादा ही नहीं पता तो आपको गेम्स के रूल्स नहीं पता, ये तो सिर्फ गेम टास्क है, इसके लिए आप कर सकती थी। वहीं रुबीना दिलैक अपनी इज्जत पर अड़ी रहती हैं और कहती हैं कि नहीं, वह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू करती हैं, वह अगर नेशनल टेलीविजन पर उनकी बेइज्जती होगी वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसी को लेकर सलमान खान भड़क उठते हैं, वह कहते हैं कि आप तमीज से बात कीजिए, इतना एटीट्यूड सही नहीं है। इसी को लेकर बहुत ज्यादा तुल पकड़ लेती है बातें और फिर सलमान खान कर देते हैं, यानी कि बोल देते हैं साफ शब्दों में, रुबीना दिलैक आप हो जाइए, अपना सामान पैक कर लीजिए और हो जाइए घर से बेघर। तो इस तरीके से सलमान खान सुना देते हैं अपना डिसीजन। वैसे ही आपको बता दे कि वैसे ही रुबीना दिलैक काफी ज्यादा हो जाती है अपसेट और तभी दोनों ही कंधों पर उनके हाथ मिलता है अभिनव शुक्ला और जैस्मिन भसीन का। दोनों उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं कि शांत और रुक जाओ। वैसे बात बताए कि वीकेंड के वार पर इसके अलावा एक और घमासान युद्ध देखने को मिलेगा और वो कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन भसीन और एजाज खान का। बता दें आपको कि जैस्मिन भसीन एजाज खान पर फिजिकल होने का लगा रही हैं आरोप। जैस्मिन भसीन का कहना है कि टास्क के दौरान एजाज खान कितनी बार उनके इतने क्लोज आ चुके थे कि उन्हें लग रहा था कि वह उसे कुछ कर देंगे। वहीं जैस्मिन का कहना था कि एजाज खान को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, वह एक लड़की से बात कर रहे हैं और लड़की के इतने करीब आना बिल्कुल गलत है। इसी पर एजाज खान अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि वह उनकी गेम की स्ट्रेटजी है उकसाने के लिए, और अगर कोई उकसाते हैं तो वह अपने आप हार मान जाता है, जिसके बाद वह उनकी गेम की स्ट्रेटजी फुलफिल हो जाती है। आपको बता दें कि सलमान खान एजाज खान से उनकी सफाई पूछते हैं कि आखिर वो इतने क्लोज आते क्यों हैं। वहीं एजाज खान अपनी सफाई देते हुए नजर आते हैं। वीकेंड का वार तो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, घमासान युद्ध देखकर तो आप भी हो जाइए तैयार आज के वीकेंड के वार के लिए, और बताइए कितने एक्साइटेड हैं वीकेंड के वार के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में, और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।